कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो कांग्रेस कह रही है वो अपने फितरत के अनुरूप कह रही है, जो सदा सर्वदा से श्री राम मंदिर के विरोध में रहे उनसे यही अपेक्षा थी। यद्यपि हमारा ये मानना है कि हमने तो सबके साथ समान व्यवहार करना है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सबको बुलाया है क्योंकि कहा गया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उन्होंने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वो आने को तैयार हैं। ये कौन से किरदार हैं जो उसके बाद भी तरह तरह के रंग दिखाने को तैयार हैं? और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर कष्ट जताया था और ये नेहरू जी के खुद के लिखे हुए पत्र 24 अप्रैल 1951 को उन्होंने सौराष्ट्र के राज प्रमुख को लिखा था, वही परंपरा उनकी आज भी है। यद्यपि मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बेहतर होता कि एक मौका था कि आज जब पूरा राष्ट्र इसके साथ आके खड़ा हुआ है तो इस परिवर्तन के दौर में उन्हें साथ रहना चाहिए। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर वो राजनीतिक दृश्य तो निष्प्राण हो ही रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी ध्वस्त हो रही है। कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो कांग्रेस कह रही है वो अपने फितरत के अनुरूप कह रही है, जो सदा सर्वदा से श्री राम मंदिर के विरोध में रहे उनसे यही अपेक्षा थी। यद्यपि हमारा ये मानना है कि हमने तो सबके साथ समान व्यवहार करना है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सबको बुलाया है क्योंकि कहा गया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उन्होंने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वो आने को तैयार हैं। ये कौन से किरदार हैं जो उसके बाद भी तरह तरह के रंग दिखाने को तैयार हैं? और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर जताया था और ये नेहरू जी के खुद के लिखे हुए पत्र 24 अप्रैल 1951 को उन्होंने सौराष्ट्र के राज प्रमुख को लिखा था, वही परंपरा उनकी आज भी है। यद्यपि मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि बेहतर होता कि एक मौका था कि आज जब पूरा राष्ट्र इसके साथ आके खड़ा हुआ है तो इस परिवर्तन के दौर में उन्हें साथ रहना चाहिए। परंतु मैं कहना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर वो राजनीतिक दृश्य तो निष्प्राण हो ही रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी ध्वस्त हो रही है।